वेलकम गाइज, मैं आयान, आपको बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट टिक्स पर। तो चले गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात कर लेने वाले हैं कि किसी भी वाईफाई को अपने मोबाइल में कनेक्ट कैसे करें। हाँ गाइज, सही सुना। तो चले वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करके हमारे चैनल से रोज़ 2-3 वीडियो रिसीव करते रहिए। तो चले गाइज, वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चले गाइज, आपको आना है प्ले स्टोर में यहाँ पर, हाँ गाइज, और सर्च बार में टाइप करना है WPS और स्पेस देके APP। हाँ गाइज, तो ये आ गया है। तो चलिए, आपको इंस्टॉल कर लेना है, और मैंने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अपडेट करने को बोल रहा है, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। चले गाइज, अपडेट भी हो चुका है और आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। गाइज, मैंने इंस्टॉल कर लिया था पहले ही आपको बताने के लिए। तो चलिए, मैं यहाँ इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा ऐप से काम करता है या नहीं। इसका रेटिंग भी अच्छा है। चले गाइज, अब ओपन करते हैं ऐप्स को, तो देखते हैं ये क्या क्या दिखाता है। तो कंटिन्यू कर देना है फर्स्ट, और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ चुका है हिडन SSID रजवी नेटवर्क, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर WPS डिसेबल है। तो देखिए, ये डिसेबल क्यों है वो उसका भी वजह मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर आपके वाईफाई में, आप जो वाईफाई चलाते हैं, आपके सामने जो वाईफाई है, उस राउटर में अगर WPS में पासवर्ड लगा होगा तो ये ऐप्स काम नहीं करेगा। तो चलेगा, मेरे में भी लगा लिया है, और इसका वाईफाई का पासवर्ड शो नहीं करेगा, और ना ही तो कनेक्ट ही होगा। तो चलेगा, आप इसे ट्राई करिएगा, मैंने ट्राई कर लिया। तो देखिए गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही था, और दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ। तब तक आप देखते रहिए डिफरेंट ट्रिक्स। तो चले गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही था। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आपका दिन